Time to kick it old school. So you feel cool. Give it to me, baby. Tanga. तो दोस्तों आप देख सकते हैं गांधी जी जो है हम लोग का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले, कौसानी गए वहाँ पे अल्मोड़ा इसके साथ। अब फाइनली जब नैनीताल आए सोचे कि कुछ चिल करें, गांधी सीरियल किलर की तरह हमारा पीछा कर रहे हैं सीरियल किलर की तरह हमारे पीछे लगे हुए हैं, परेशान कर दिए यार गांधी जी, बिल्कुल पीछा नहीं छोड़े, जीना हराम कर दिए हैं। चलिए कोई नहीं, चल जाके घूमते हैं। तो फाइनली तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं लेक सिटी ऑफ इंडिया, सरोवर नगरी जिसे हम नैनीताल के नाम से जानते हैं, और आपको दिखाते हैं ये ताल। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तल्ली ताल पे, और आप पीछे देख सकते हैं जो मल्ली ताल है वहाँ पे कितना बादल है आप देखिए, और जो यहाँ का इस समय का जो सीन है वो कतई जहर, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि मज़ा आ गया, मतलब बाद में भरोसा कर लीजिए आप, बात उड़ सकल जाओ। जो यहाँ पे लोग हैं देख लीजिए, ये अल्मोड़ा में नहीं मिल रहा था न कौसानी में, इसीलिए हाँ अल्मोड़ा में तो कुछ नहीं था। और अभी हमको, और इधर आप देख सकते हैं इधर ये माल रोड है, और आज मैं आप लोग को नाइट व्यू ऑफ माल रोड नैनीताल का सीन दिखाते हैं। इसके साथ ये पीछे ठंडी सड़क है उस पर भी जाएंगे, और आज हम लोग शेरवानी नहीं जाएंगे, हमेशा जब आते तो शेरवानी जाते थे, लेकिन आज हम लोग ITI कॉलेज पाइन सिटी रुके हैं। मैंने शेरवानी छोड़ दी, मैंने शेरवानी छोड़ दी, अब हम लोग को चढ़ना नहीं पड़ेगा। अच्छा उतरना है, अब हम लोग को चढ़ना नहीं पड़ेगा, ये अच्छा हुआ इसने शेरवानी छोड़ दिया, रोज चढ़ना पड़ता, रोज उतरना पड़ता, दिमाग खराब हो जाता था शुरू में ही, जैसे ही हम लोग कहीं बाहर निकलते थे सांसें ऊपर नीचे हो जाती थी। आप जाना है तो भी, नीचे आना है तो भी। आप पिछला ब्लॉग देख सकते हैं, सारे ब्लॉग करीब इस चैनल पे भी, और मेरे सेकंड चैनल टेक्नो बैंकिंग पे भी, वहाँ पे भी हैं, और नैनीताल लगभग मैंने सारा जितना भी प्लेस है नैनीताल का सब कुछ विजिट कर लिया, चाहे वो चाइना पीक हो और टिफिन टॉप, कैमस बैक, इसके अलावा वाटरफॉल, स्नो व्यू, और पीछे वाला खुरपाताल, सरिया ताल और भीम ताल, मतलब नैनीताल का कोई ऐसा प्लेस ही नहीं बचा है जहाँ पे हम न गए हों। और बाकी जो जिन प्लेस में, मतलब हम आप जब यूट्यूब नहीं करते थे तब उन प्लेस पे गए थे, जैसे पाइन सिटी हो गया, तब हम यूट्यूब नहीं करते थे, तो आज आपको ले आए हैं दोस्तों। हमेशा पॉली वालों के साथ घूमते थे, हाँ आज आईटी मारेंगे, ITI वालों, आज ITI वालों के साथ। तो यहाँ पे अभी कुछ फ़ोटो शूट करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं माल रोड की तरफ, और आपको जो ये सारे फ़ोटोज़ हैं वो इंस्टाग्राम, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोग को मिल जाएंगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग जाइए फॉलो करिए, जाओ यार वहाँ भी फॉलो करो। तो फ्रेंड तल्ली ताल के बाद अब हम लोग ठंडी सड़क पे जा रहे हैं, ठंडी सड़क यहाँ का काफ़ी नामी गिरामी सड़क है, रोड है, जहाँ पे आप चिल मार सकते हैं, चाहे शाम चिल के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अधिकतर जो लोंडे लफाड़ी यहीं पे आपको मिल जाएंगे ठंडी सड़क पे ही। तो थोड़ा वो कर दिया गया है, पुलिस प्रशासन को बढ़ा दिया गया है, वरना पहले जब मैं सेकेंड ईयर में था तब तक बहुत होता था, थर्ड ईयर से बढ़ा दिया गया पुलिस प्रशासन को, ताकि यहाँ के टूरिस्ट जो है वो परेशान ना हो सकें, मतलब माहौल गंदा ना, गंदा माहौल ना हो पाए। और ठंडी सड़क पे कई सारे टेंपल भी हैं, जैसे शनि जी का टेंपल, इसके साथ ही पाषाण देवी टेंपल, और उसके जस्ट आगे नैना देवी टेंपल है, और भूटिया मार्केट, और भूटिया मार्केट में ही आपको मिल जाएगा सोनम के फेवरेट मोमोज आपको मिल जाएंगे, जो कि नैनीताल का फेमस है। तो सोनम के जो मोमोज हैं तो आप लोगों ने सुना होगा सोनम बेवफा है, तो वही वो सोनम है, यहाँ पे आकर इसने मोमोज की शॉप खोल दी, इसके बाद फिर यहाँ पे फेमस हो गई। 8 साल हो गए उसे मोमोज की दुकान को, मतलब मोमोज की दुकान 8 साल हो गए, 60 सालों से उसकी मोमोज दुकान है यहाँ पे, तो सोच लीजिए पहले यहाँ पे उसने शॉप खोली, उसके बाद वो बेवफा हुई, इसके बाद नोट गांधी जी की जगह नोटों पे वो उसने अपना स्थान बना लिया, इसीलिए तब से एक कार्यक्रम चल रहा है, चल रहा है और चल ही रहा है अभी तक। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग गेट से एंट्री कर चुके हैं,
और अब ठंडी सड़क की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देख लीजिए कितना खतरनाक सीन है। हरियाली ये है नैनीताल की। जब भी हम लोग आते हैं तो हम लोग का दिल खुश हो जाता है नैनीताल में आकर। मतलब कहीं की भी थकान हो नैनीताल में ही आकर मिटती है। तो इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। और ये शनि देव का मंदिर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग भोटिया मार्केट पे फाइनली पहुंच गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को गर्म कपड़े और इसके अलावा खाने पीने को हर चीज़ मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मार्केट है। मैंने इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया हुआ है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं नैनीताल एक ऐसी सिटी है जहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर ही मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा है। तो सबसे पहले मैं आपको गुरुद्वारा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइंस के लकड़ी से बनी हुई कई सारे यहाँ पे सजावट के सामान है जिसको आप खरीद सकते हैं। और ये रहा गुरुद्वारा। आप देख, ये है गुरुद्वारा। जैसे आप लोग भोटिया मार्केट से बाहर निकलेंगे गुरुद्वारा आपको दिख जाएगा। इसके साथ ही वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को दिख रहे होगी सामने वो मस्जिद है और मॉल रोड पे चर्च है और पीछे आपको मैंने दिखाया नैना देवी का टेंपल। तो यहाँ पे अनेकता में एकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मार्केट लगे हुए हैं, चाहे वो कपड़े के हों, फैंसी सामान हो या फिर घर में सजावट के हों। तो आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और ये देख लीजिए, ये यहाँ का फेमस ग्राउंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी होता है और सीजन टाइम में यहाँ पे पार्किंग होती है, बट ऑफ सीजन में यहाँ पे क्रिकेट मैच, फुटबॉल, हॉकी इत्यादि सब कुछ होता रहता है। तो यार काफ़ी ज़्यादा भीड़ है नैनीताल में, जैसा कि हर समय ही होती है। कभी भी आप नैनीताल में आ जाओ आपको भीड़ तो मिलेगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जूमलैंड और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे नैनीताल का एकमात्र सिनेमाघर कैपिटल सिनेमा। और यहाँ पे इस समय छिछोरे लगी हुई है। आप देख सकते हैं अगर आप नैनीताल में आ रहे हैं, अगर आपको मूवी देखने का मन कर रहा है तो आप यहाँ पर कैपिटल सिनेमा में मूवी देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर प्ले स्टेशन भी है, तो आप अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो गेम वगैरह भी खेल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे प्ले स्टेशन है, ये सब जूमलैंड पे ही आपको मिल जाएगा, ये कैपिटल सिनेमा। और अब हम लोग जूमलैंड पे चाय की चुस्कियों के साथ ताल का आनंद लेंगे, आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये होता है असली माल रोड। देखिए अभी तो आप, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी हाँ अभी 6 बज रहा होगा ना, 6:30। अभी आगे देखिए भीड़ आगे, फिर भी 7-7:30 बजे असली भीड़ होती है। जब, हाँ, जब लाइटें ऑन होती है, माल रोड बंद होने वाला है थोड़ी देर में, जब लाइट ऑन होती है तो फिर और ज़्यादा के लिए मॉलेट रह नहीं जाएगा, बस खाली रिक्शा जाएगा और बाइक वाले का जा सकते हैं वरना। हाँ उसके बाद फिर बस वॉकिंग वॉकिंग बाद। अभी इस साइड को देख सकते हैं, इस साइड सारी दुकानें हैं और नैनीताल के माल रोड पे आपको माल दिखेगा। अभी थोड़ा कम है, थोड़ा अंधेरा होने लगी। हाँ असली वो जब लाइट सारी ऑन हो जाती है तो, यहाँ पे जैसे हाँ, लाइट का माहौल होगा। अरे माल रोड का असली मज़ा तभी आता है जब लाइट ऑन होती है, उस तरीके से नहीं आता। खूबसूरती लाइट हाँ, और रात के टाइम माल रोड की खूबसूरती। अरे ये पेड़ों में लाइट्स लगा रखी हैं पता है, ब्लू और ग्रीन। अभी करीब कितने बज रहे हैं भाई?
7 बजे हैं और हम लोग माल रोड घूमने के बाद चिकन वगैन लेके पहुंच चुके हैं हॉस्टल। और अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना अंधेरा है। अरे साला स्लिप कर रहा है, थोड़ा ऊपर दिखाओ। वो कुछ ससराहट की आवाज़ आई, मेरे तो रोए खड़े हो गए। सच्चो सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम नैनीताल। और आज नैनीताल में हमारा सेकेंड डे है और लास्ट डे भी है। और काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस पूरे ट्रिप का लास्ट डे है और आज हम लोग चले जाएंगे अपने अपने मंजिल की तरफ, अपने अपने घर की तरफ, आवास की तरफ। तो हमें काफ़ी बुरा लग रहा है कि इन वादियों की, इन खूबसूरत वादियों को जो हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, बट जाना तो पड़ेगा ही। सबका अपना अपना काम रहता है। इनको आज इंटरव्यू के लिए जाना था सुबह सुबह और पाँच बजे उठ के जाने वाले थे। 5 बजे वाली पहली बस उठ के सोच रहे 5 बज गया। 7 बजे उठे हैं, उसके बाद फिर थोड़ा नहाए हुए हैं, उसके बाद फिर अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे बस स्टैंड पे। और आप देख लीजिए इस समय सनलाइट पे जो खूबसूरत सीन है बिना फॉग के। अभी शाम को कल हमने दिखाया पूरा फॉगी फॉग था, तो उतना बेटर आ नहीं रहा होगा, लेकिन इस समय सनलाइट पड़ रही है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़ारा है। और ये पूरा ताल बहुत ही खूबसूरत लगता हुआ। और ये पीछे बस स्टैंड है और हमारी बस लगी हुई है। और आप देख लीजिए सुबह सुबह के टाइम यहाँ पे कितनी सारी बत्तखें हैं। दोपहर को तो सिर्फ ये मछलियाँ रहती हैं, बट सुबह के टाइम ये बत्तखें भी रहती हैं। तो खूबसूरती इन बत्तखों के कारण बढ़ जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम बोटिंग नहीं होती, इस वजह से बत्तखें रहती हैं, बाकी उधर चली जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग शायद जब तक बस भरे थोड़ा चाय वाय पी लें तब चलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट जगह पे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी वीडियो आप देखिए उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ओके बाय बाय।